हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है प्रभा एलएमपी में। आज हम आपके लिए चैप्टर फोर लिब्रे ऑफिस कैल्क रिवीजन टेस्ट, यानी चैप्टर फोर से जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क से आज हम 100 प्रश्न आपके लिए लेकर उपस्थित हैं, जो पार्ट वन है। इस पार्ट वन में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के 100 प्रश्न कराएंगे। चलिए पहला प्रश्न हम स्टार्ट कर लेते हैं। टू सेलेक्ट ऑल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यू CTRL पर शिफ्ट प्लस स्पेस की, तो ये ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यानी वो सभी को अगर मुझे सेलेक्ट करना, टू सेलेक्ट ऑल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर मुझे सेलेक्ट ऑल करना तो क्या करेंगे? CTRL पर शिफ्ट प्लस स्पेस बार का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट नेक्स्ट शीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें नई नेक्स्ट अगली सीट हमें सेलेक्ट करनी, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? CTRL प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन का यूज करेंगे। इसका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन का यूज हम करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट प्रीवियस शीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर मुझे प्रीवियस सीट जो है सेलेक्ट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? CTRL शिफ्ट प्लस पेज अप का यूज, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप। अगर यहाँ पे नेक्स्ट शीट होता तो क्या हो जाता? पेज डाउन यहाँ पे हो जाता। अब प्रीवियस शीट है इसलिए क्या है? CTRL पे शिफ्ट प्लस पेज अप। अगला प्रश्न है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट अ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो सेलेक्ट करने के लिए क्या होती है? शिफ्ट प्लस स्पेस। क्या यूज करते हैं? क्या शिफ्ट प्लस स्पेस का जो है यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस बार का जो है यूज किया जाए। ये देखिए पूरी रो आपकी जो है सेलेक्ट, ठीक है ना, पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो गई। जैसे ये मुझे रो पूरी सेलेक्ट करनी, शिफ्ट किया और प्रेस किया स्पेस, पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पे तो क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस स्पेस आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, विच शॉर्टकट की यूज टू सेलेक्ट कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। सेलेक्ट कॉलम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? CTRL प्लस स्पेस, CTRL प्लस स्पेस। ये कॉलम हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है, CTRL प्लस स्पेस। क्या ये पूरे कॉलम देखेगा, एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉलम पूरा सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, टू सेलेक्ट डेटा एरिया इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यू CTRL प्लस एस्टेरिक सिंबल। एस्टेरिक सिंबल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक। डेटा एरिया मुझे अगर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? तो CTRL प्लस टेक सिंबल बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट प्रश्न है, F2 बटन यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क फॉर सेल्फ एडिट मोड। बिल्कुल सही है, F2 बटन किसके लिए यूज करेंगे? देखिए इस पे हम क्या करेंगे, F2 जैसे करेंगे कर्सर वहां पे सेल यानी कि एडिट मोड में आ गया, सर कर्सर हाईलाइट होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CTRL प्लस F8 इज यूज फॉर वैल्यू हाईलाइटिंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। जो वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में F8 का यूज किया जाता है, CTRL प्लस F8 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTRL की इज यूज फॉर शो फार्मूला इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी कंट्रोल बटन का क्या यूज किया जाता है? शो फार्मूला के लिए। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, CTRL प्लस F2 इज यूज फॉर इंसर्ट फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये भी ऑप्शन आपका क्या सही है? CTRL प्लस F2 का यूज क्या किया? इंसर्ट फंक्शन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, CTRL प्लस कॉलन का यूज करते हैं इंसर्ट डेट इन लिब्रे ऑफिस। ये भी आपका ऑप्शन क्या है? पूरी तरह से क्या है? सही है। देखते हैं, CTRL प्लस हम कॉलन का यूज करेंगे, ये देखिए आज की डेट आ गई, डेट आ गई ना आपकी 17/2/2022, आज की डेट आ जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज किसके लिए करेंगे? इंसर्ट टाइम के लिए। CTRL प्लस शिफ्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? इंसर्ट टाइम। CTRL शिफ्ट प्लस कॉलन का यूज करेंगे, ये देखिए आज का जो है 2:09 हो रहा है, दोपहर के 2:09 हो रहा है इस समय की, ये डेट आपकी आ जाती है। तो ये भी ऑप्शन क्या आपका है? ट्रू हो जाता है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, टू फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग 1.5 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज CTRL प्लस 5। बिल्कुल सही है, CTRL प्लस 5 का यूज किया जाता है अगर मुझे लाइन स्पेसिंग कितनी करनी है, 1.5 रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, टू फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग 2 इन लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज CTRL प्लस 2। ये भी ऑप्शन आपका क्या है? पूरी तरह से ट्रू है। अगर मुझे जो है लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी, 2 रखनी, तो CTRL प्लस 2 का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, टू नंबर फॉर्मेट फॉर जनरल इज यूज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 6। बिल्कुल ऑप्शन सही है, यानी जो नंबर फॉर्मेट का अगर
जो जनरल का जो नंबर फॉर्मेट होता है उसका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सिक्स आपका होता है, क्या आपका होता है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस सिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू नंबर फॉर्मेट फॉर नंबर यूज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस वन। अगर मुझे नंबर फॉर्मेट करना है किसके लिए, नंबर के लिए, तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F1 का यूज करेंगे। ये भी ऑप्शन आपका क्या ट्रू है। टू नंबर फॉर्मेट फॉर प्रेजेंट यूज परसेंट यूज, परसेंट अगर मुझे नंबर फॉर्मेट करना है कैसा परसेंट वाला यानी ठीक, तो क्या करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 5, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 5 का यूज करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा परसेंट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो रहा था। टू नंबर फॉर्मेट फॉर करेंसी, करेंसी फॉर्मेट अगर लाना है, नंबर फॉर्मेट कैसा लाना है, करेंसी टाइप में लाना है तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 4 का यूज करेंगे, किसका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 4 का यूज करेंगे, ये भी ऑप्शन आपका क्या है ट्रू है। नंबर फॉर्मेट फॉर डेट यूज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 3, ऑप्शन क्या है आपका ट्रू है, ऑप्शन क्या आपका ट्रू, यानी कि नंबर फॉर्मेट करेंगे कैसा डेट टाइप में करेंगे, डेट टाइप में तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F3 का CTRL प्लस शिफ्ट प्लस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 3 का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पे, टू नंबर फॉर्मेट फॉर साइंटिफिक यूज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 2, ठीक है अगर मुझे नंबर फॉर्मेट करना है कैसा साइंटिफिक तो उसके लिए क्या करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस 2 का यूज हम करेंगे। ओके अगला प्रश्न है, विच की इज यूज फॉर टू फॉर्मेट सेल्स इन कैल्क, ठीक है किसका यूज करेंगे हम CTRL प्लस 1 का, CTRL प्लस 1 का यूज करेंगे फॉर्मेट सेल इन कैल्क के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच की इज यूज फॉर टू इंसर्ट सेल्स इन कैल्क, सेल में जो है इंसर्ट सेल करानी है तो किसका यूज करेंगे हम CTRL, किसका यूज करेंगे CTRL प्लस प्लस का, किसका यूज करेंगे हम CTRL प्लस प्लस का यूज करेंगे, किसका CTRL प्लस प्लस। ये देखिए हमने CTRL प्लस प्लस किया, ये इंसर्ट का ऑप्शन आ गया कि हमने यहां से इंसर्ट जो है करा लिया, ठीक ओके। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे जैसे हमने कुछ लिख दिया, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी हमने कुछ लिख दिया है, यहाँ पर भी हमने कुछ लिख दिया, अब हम यहाँ पे जैसे CTRL प्लस का यूज करेंगे, देखिए अब यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता, हमें कहते हैं ये एक सेल इंसर्ट हो जाती है बीच में। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज फॉर टू डिलीट सेल्स इन कैल्क, तो CTRL प्लस माइनस का यूज करेंगे, CTRL प्लस माइनस से जो है हम सेल को क्या करा सकते हैं डिलीट, अब जो सेल ये हमने करी इसको हम डिलीट करें CTRL माइनस का यूज करेंगे, देखिए डिलीट ऑप्शन आ गया, ये हमने वो डिलीट करा दी, डिलीट हो जाती है सेल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विच की इज यूज फॉर टू साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स इन कैल्क, यानी कौन सी किसका यूज करेंगे हम F4 का, साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स के लिए हम किसका यूज करेंगे हम F4 का हम यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज फॉर टू फिल सेल्स डाउन, टू फिल सेल्स डाउन किसका यूज करेंगे CTRL प्लस D का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे CTRL प्लस D का यूज हम करेंगे। जैसे हमने एक कॉपी ऑप्शन करा लिया है, ओके देखिएगा ध्यान से, हमने कॉपी हो गया यहाँ पे हम, ठीक है सेल्स फिल डाउन करा दिया, फिर देखिएगा सेल्स F कंट्रोल प्लस D का यूज हम कर रहे हैं, केवल कंट्रोल प्लस D का यूज करके हम क्या करें सेल जो है फिल सेल्स डाउन की तरफ हम सब सारी सेल्स को क्या कर रहे हैं फिल करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विच की इज यूज फॉर टू मैनेज नेम रेंजेस एंड एक्सप्रेशंस, मैनेज नेम रेंजेस एंड एक्सप्रेशन करने के कौन सा है CTRL प्लस F3 का यूज करेंगे, इसका CTRL प्लस F3 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, विच की इज यूज फॉर टू नेविगेट, नेविगेट टू प्रीवियस शीट, नेविगेट टू प्रीवियस शीट इन कैल्क, नेविगेट टू प्रीवियस शीट इन कैल्क में हम क्या करेंगे हम CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज हम करेंगे, किसके लिए प्रीवियस शीट, किसके लिए है प्रीवियस शीट के लिए, CTRL शिफ्ट प्लस टैब का यूज हम करेंगे, किसके लिए प्रीवियस टैब के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच की इज यूज फॉर टू नेविगेट नेक्स्ट सीट, नेविगेट नेक्स्ट सीट करने के लिए हम क्या करेंगे CTRL प्लस टैब, किसका यूज करेंगे CTRL प्लस टैब का यूज करेंगे। विच की इज यूज फॉर टू रिकैलकुलेट इन कैल्क, कैल्क में कर ले रिकैलकुलेट करने के लिए F9 का यूज करते हैं, किसका F9 इज यूज फॉर टू रिकैलकुलेट इन कैल्क, रिकैलकुलेट इन कैल्क। ओके अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विच की इज यूजफुल टू रिकैलकुलेट हार्ड इन कैल्क, तो किसका यूज करेंगे CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F9 का यूज करेंगे रिकैलकुलेट हार्ड इन कैल्क। F12 इज यूज फॉर टू ग्रुप इन कैल्क, F12 का यूज करते हैं
ग्रुप करने के लिए, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ग्रुप करने के लिए F12 का यूज करते हैं, किसमें, कैल्क की बात हो रही है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का। CTRL+F12 इज यूज फॉर टू अनग्रुप इन कैल्क, बिल्कुल सही है। F12 से क्या होता है, ग्रुप कराते हैं, CTRL+F12 से क्या होता है, अनग्रुप होता है, CTRL+F12 से क्या होता है, अनग्रुप होता है। Which key is used for to detective to trace precedent? Trace precedent. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिएगा, जो है Shift+F9 का यूज करेंगे। किसका, हम Shift+F9 का यूज हम करेंगे, ठीक है। डिटेक्टिव टू ट्रेस प्रेसिडेंट्स के लिए हम Shift+F9 का यूज हम करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विच की इज यूज फॉर टू डिटेक्टिव ट्रेस डिपेंडेंट्स। वहां पे क्या था, ट्रेस क्या था, ट्रेस प्रेसिडेंट का, यहाँ पे क्या है, ट्रेस डिपेंडेंट है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Shift+F5 का यूज, किसका यूज करेंगे, Shift+F5 का यूज करेंगे। लिबरेशन सेंस इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, बिल्कुल सही। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में है जो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो क्या होता है आपका, लिबरेशन सेंस होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, कितना होता है आपका, 10 होता है, कितना होता है, 10 होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन इन कैल्क। कैल्क में मैक्सिमम जूम परसेंट कितना होता है, 400, यानी अधिकतम जो जूम होता है कैल्क में कितना होता है, 400% होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पर वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क 1024, बिल्कुल सही है। यानी कि एक वर्कशीट में जो है कितने कैल्क नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, 1024 कॉलम हो सकते हैं इन लिब्रे ऑफिस कैल्क पर वर्कशीट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इज नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज की यहाँ पे बात अगर हो रही तो कितना हो जाएगा, 1,48,576, कितना हो जाएगा, 1,48,000, यानी 10,1048,576 इतनी रोज आपकी जो है एक वर्कशीट में होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पर वर्कशीट इज 10737418248 इन कैल्क, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, पूरी तरह से आपका क्या है, ट्रू हो जाता है। यानी कि एक जो पर वर्कशीट में सेल्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़, और इतनी जो है मतलब क्या होती हैं, सेल्स होती हैं पर वर्कशीट में। वी कैन इंटर मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स इन वन सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो कितना हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा जो करेक्टर हम लोड कर सकते हैं 32,767, यानी 32767 इतने नंबर ऑफ करेक्टर्स हम एक सेल में ऐड कर सकते हैं, एक सेल में हम ऐड कर सकते हैं इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन अ वर्कबुक, कितना हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट, 10,000, कितनी हो सकती है, 10,000 हो सकती है नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन अ वर्कबुक। नेम बॉक्स गिव द एड्रेस ऑफ करंट एक्टिव सेल, बिल्कुल सही। जो नेम बॉक्स होता है वो क्या करता है, एड्रेस करंट एक्टिव सेल का एड्रेस देता है। फार्मूला बार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ सेलेक्टेड सेल, बिल्कुल सही। जो फार्मूला बार होता है, ये जो आपका फार्मूला बार देखेगा, दिस इज योर फार्मूला बार, ये आपका क्या कर रहा है, करंट सेल को जो है वहां पे शोस कराता है, ठीक है, दिस इज अ फार्मूला बार, ठीक है, ये के फार्मूला बार शो हो रहा है फार्मूला बार। नेक्स्ट प्रश्न, यूजिंग द रीलोड ऑप्शन वी कैन रिप्लेस द करंट डॉक्यूमेंट विद द लास्ट सेव्ड वर्जन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि रीलोड ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने करंट डॉक्यूमेंट को लास्ट सेव वर्जन से हम रिप्लेस करा सकते हैं। इन कैल्क वेयर वी फाउंड गोल सीक ऑप्शन, इन कैल्क वेयर वी फाउंड गोल सीक ऑप्शन, तो किसमें मिलेगा गोल सीक ऑप्शन, इन टूल्स मेनू में, टूल्स मेनू में जो है गोल सीक ऑप्शन मिलेगा। विच फंक्शन इज यूज फॉर रिटर्न द करंट कंप्यूटर सिस्टम डेट इन कैल्क, करंट सिस्टम डेट इन कैल्क, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम टूडे का फंक्शन यूज करेंगे। किसका, हम टूडे फंक्शन यूज करेंगे, देखिएगा हमने इक्वल टू का यूज किया, ध्यान से देखिएगा, TODAY टूडे हमने लिखा, ये लिखा और हमने ये इंटर कर दिया, तो ये करंट डेट आ जाती है, आज की ये डेट शो कराती है 17/2/2022
बाई सी ए क्या होता है, करेंट डेट कराता है। नेक्स्ट है नाउ फंक्शन इज यूज फॉर रिटर्न द कंप्यूटर सिस्टम डेट एंड टाइम्स इन कैल। अब नाउ फंक्शन से देख लेते हैं क्या होता है, इक्वल टू एन ओ नाउ लिखा हमने यहाँ पे इस तरह से, ये आज की जो है यानी नाउ फंक्शन से क्या होता है डेट भी आता है और टाइम भी, दोनों चीज जो है करंट शो कराता है, करंट डेट और करंट टाइम जो है शो कराता है, और यहाँ पे टूडे फंक्शन से क्या होता है केवल डेट शो कराता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, एक एक फंक्शन फार्मूले हम यहाँ पे भी यूज करा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल के साथ, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे फार्मूले आपकी प्रैक्टिकल। इज लॉजिकल फंक्शन इज यूज फॉर टेस्ट एंड लॉजिकल वैल्यू ट्रू आर फॉल्स। इज लॉजिकल फंक्शन इज यूज फॉर टेस्ट एंड लॉजिकल वैल्यू ट्रू आर फॉल्स। अगर हम इज लॉजिकल फंक्शन से यूज करेंगे क्या है यानी टेस्ट वैल्यूज क्या हो जाएगी, फॉल्स आर मतलब ट्रू आर फॉल्स हो जाएगी। देखते हैं इज लॉजिकल, अभी हमने तो वहां पे खैर कुछ लिखा नहीं, हमें अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं है फिलहाल, लॉजिकल हो जाता हम यहाँ पर कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 4-2 ठीक है, वैल्यू अगर हम दे देंगे तो यहाँ पर कुछ फॉल्स हो जाए, क्यों क्योंकि तो हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पर दी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स ही शो कराएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि फंक्शन क्या हो रहा है टेस्ट लॉजिकल वैल्यू ट्रू आर फॉल्स करने के लिए जो है इज लॉजिकल का यूज किया जाता है। Is odd function is used for return true if the value is odd or false if the number is even. अब देखते हैं is odd पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम करेंगे is equal to is odd is odd function का हमने use किया और एक value ले लेते हैं, जैसे हमने 20 हमने ले लिया, ये क्या है ये false हो रहा है क्योंकि ये odd number नहीं है, ये odd number नहीं है, है ना, ये फॉल्स 20 के ऑड नंबर है। अब हम यहीं पे जो है अगर हम ले लेते हैं 24 ले लेते हैं तब ये भी क्या रहा है फॉल्स है, यानी कि ये भी क्या है ऑड नहीं है, यानी 24 क्या है ये भी ऑड नहीं है, तो हम ऑड कौन सी वैल्यू ले लेते हैं देखते हैं, ऑड इवन करके हमने 1 ले लिया तो क्या हो गया ट्रू, यानी एक जो है आपका क्या है एक आपकी क्या है ऑड वैल्यू है, एक जो क्या है ऑड वैल्यू है, जो भी ऑड अगर आएगा तो आपका ट्रू होगा अदरवाइज फॉल्स दिखा देगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एंड लॉजिकल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्गुमेंट्स आर ट्रू इफ वन ऑफ द एलिमेंट इज फॉल्स दिस फंक्शन रिटर्न्स द फॉल्स वैल्यू। बिल्कुल सही है, एंड में क्या होता है फंक्शन को रिटर्न कराएगा यदि सभी के सभी फंक्शंस क्या है आर्गुमेंट्स क्या है ट्रू है तो उनको जो है ट्रू करा देगा, अगर कोई भी फंक्शन में से फॉल्स आ रहा है तो उसको क्या करेगा फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ABS function return the absolute value of a number. जो ABS जो function होता है देखिएगा ABS सब कुछ देखिएगा कुछ नहीं कराना होता है, नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे मान लिया 24 हमने नंबर दे दिया, जो भी functions है जो भी absolute values है वो automatic इस प्रकार से जो है return value करेगा। ABS फंक्शन का क्या था रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, पूरी तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज जो करेगा। नेक्स्ट है सीलिंग फंक्शन इज यूज फॉर राउंड अ नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही, जो सीलिंग जो फंक्शन होता है उस क्या करता है देखिएगा सीलिंग का इक्वल टू सीई। अब हम यहाँ पे हमने सीलिंग CEILING सीलिंग का हमने यूज किया, देखिएगा क्या हो जाता है सीलिंग में क्या होता है नंबर दे देते हैं, यहाँ पे हमने 140 दे दिया, सिग्निफिकेंट हमने यहाँ पे दे दिया 4.2 अगर हमने करके दे दिया, क्या करेगा उसके जो नियरेस्ट जो है वैल्यू क्या करेगा उसके देखिएगा ये आ गया उसके नियरेस्ट में क्या राउंड आ नंबर अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस तक जो है वैल्यूज लेकर जाता है सीलिंग फंक्शन में। नेक्स्ट है द फ्लोर फंक्शन इज यूज फॉर राउंड आ नंबर डाउन टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये भी ऑप्शन क्या है आपका ट्रू है। अब देखते हैं फ्लोर वैल्यू में क्या था इक्वल टू FLOR फ्लोर हमने यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ पे नंबर दे दिया 121 हमने दे दिया और यहाँ पे 100 दे दिया, तो ये क्या करेगा इसके नियरेस्ट की वैल्यूज लेकर गया, कहाँ तक गया इसके नियरेस्ट की वैल्यूज लेकर गया, ठीक है 121 दिया था, दूसरी हमने वैल्यू हमने सिग्निफिकेंट दिया था 100, तो उसके क्या कहता है नियरेस्ट वैल्यू तक वो लेकर गया था। अगला है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ इक्वल टू मॉड 2 2 3 3, ये है इसका, ये तो इसका हम पहले देख लेते हैं मॉड का जो ये फार्मूला देखते हैं लगा करके क्या इससे आता है, अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्या आ रहा है, पहले हम इसको लगा करके देख लेते हैं इक्वल टू MOD मॉड हो गया और मॉड के बाद फिर हमारा यहाँ पे दिया था 22:3 ठीक है 22:3 दिया था, इसमें अब देखते हैं क्या आ रहा है
तो क्या आ रहा है इसमें देखते हैं, मॉड के बाद जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है देखते हैं भैया, क्या रहा है, वन आ रहा है, क्या रहा है आपका इसमें, वन आ रहा है, क्या रहा है आपका, वन आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आपको, यस या नो? ठीक ना, ऑप्शन क्या आपका हो गया, वन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ राउंड टू पॉइंट, राउंड ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, इसको लगाते हैं, राउंड वाले को भी फंक्शन हम लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, इक्वल टू आर ओ यू एन डी, राउंड आपका हो जाता है आपका, राउंड आपका जो फंक्शन हो जाता है। फिर हमने यहाँ पे देखते हैं और क्या लिखा है, 2.348, यहाँ पे लिखा है 2.348 और 2.3.8, यहाँ पे भी कॉमा लगा दिया है, टू लगा है, इसको राउंड अप करेगा, देखते हैं कितना आएगा, 2.35 के करीब राउंड अप आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.35 आ रहा है, यानी इसमें ऑप्शन है 2.35 ही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, चार फंक्शन कन्वर्ट अ नंबर इनटू करेक्टर अकॉर्डिंग टू द करेंट कोड टेबल, करेंट कोड टेबल, तो ऑप्शन क्या है आपका, ट्रू है, यानी जो 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 करेक्टर फंक्शन होता है क्या कहता है, कन्वर्ट करता है नंबर को इनटू करेक्टर अकॉर्डिंग टू द करंट कोड टेबल में। क्लीन टेक्स्ट फंक्शन इज यूज्ड फॉर ऑल नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग, बिल्कुल सही, जो मतलब क्लीन फंक्शंस होता है, जो क्लीन फंक्शन है क्या कहता है, टेक्स्ट फंक्शन होता है जो नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स होते हैं उनको रिमूव करता है फ्रॉम द स्ट्रिंग से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउट ऑफ द लेफ्ट पंकज कॉमा थ्री, अब देखते हैं लेफ्ट इस पंकज थ्री में क्या आता है, इक्वल टू हम करेंगे इक्वल टू एल ई एफ टी, लेफ्ट हमने यहाँ पे लिखा कॉमा क्या, टी ए एन के ए जे, पंकज हमने लिखा यहाँ पे, हमने कॉमा करा दिया है, फिर देखें क्या लिखा यहाँ पे, कॉम थ्री थ्री, फिर लिखा यहाँ पे हमारा थ्री, लिखा कॉमा लगा दिया, थ्री लगा दिया, हमने देखते हैं अब क्या होता है, तो क्या होगा, पंकज थ्री, यानी कि लेफ्ट से जो है तीन शब्द जो है उठा लेता है, क्या किया इसने, लेफ्ट से जो यानी ये तीन वाले शब्द उठा लिया, यानी कि पी ए एन, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन, समझ गए ना फार्मूला आप सभी लोग। फिर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लेन, पंकज, अब ये लेन वैल्यू का क्या होता है, लेन वैल्यू देखिएगा क्या होता है, इज इक्वल टू हमने लिखा यहाँ पे एल ई एन, लेन लिखा हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे नेम दे दिया यहाँ पे, अब देखते हैं लेन वैल्यू से हमारा क्या होगा, तो लेन वैल्यू में क्या होगा, जितने यानी कि नेम थे पंकज की, जो स्पेलिंग था पी ए एन के ए, यानी सिक्स करेक्टर थे, तो यहाँ पे सिक्स यहाँ पे आ जाता है, यानी कि सिक्स आ गया, यानी कि लेन से क्या होता है, जो करेक्टर की लंबाई होती है उसको जो है फाइंड आउट किया जा सकता है, मतलब कॉलम में कितना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लोअर पंकज, इसका जो है क्या होगा, अब इसका लोअर में इसका बताना है क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हमने लिख लिया यहाँ पे है इसको एल ओ डब्ल्यू आर लोअर ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, पी ए एन के ए जे पंकज हो गया, ये हमने किया, इसको देखते हैं, तो लोअर में जो है लिख करके आ जाएगा, क्या लिख के आ जाएगा, लोअर में जो है आपका लिख करके आ जाएगा, जो भी कैपिटल में ये जो चीज है आपका लोअर में लिख किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर, प्रॉपर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर, प्रॉपर ओपन ऑफिस, प्रॉपर ओपन ऑफिस, ये वैल्यू जो है यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इक्वल टू पी आर ओ पी ई आर प्रॉपर हो गया, अब यहाँ पे एक हम थोड़ा लिख लेते हैं इसको, इसको लो पी आर ओ पी ई आर प्रॉपर आपका हो जाता है, हमने क्या लिखा था यहाँ पे देखते हैं, लिखा है आपका ओपन ऑफिस लिखा हुआ यहाँ पे, यानी कि ओ पी एन ओपन ओ एफ आई सी ओपन ऑफिस है, इसको हमने किया, यानी कि प्रॉपर वैल्यू में लिख करके आ जाएगा, कैसे में लिख करके आ जाएगा, प्रॉपर में लिख करके आएगा, यानी कि प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर देखिएगा, हमने किस प्रकार से लिखा था कैपिटल स्मॉल में सब कुछ लिखा था, इसको इसने प्रॉपर में लिख करके दे दिया, इसे बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर आ जाएगा, यानी कि ये ऑफ ओपन ऑफिस।
अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द रेप्ट पंकज। ठीक है, ये रेप्ट का देख लेते हैं क्या फार्मूला है, रेप्ट का यूज क्या होता है, इक्वल टू आर ई पी टी, रेप्ट करेंगे हम, यहाँ पे ले आए पी ए एन के ए पंकज हो गए, या ब्रैकेट में टू हमने किया, यानी कि रेप्ट कितनी बार हो रहा है, टू टाइम्स, यहाँ पे अगर टू बार लिखा है तो यानी कि रेप्ट क्या हो जाएगा, टू टाइम जो है क्या हो जाएगा आपका, रेप्ट वाला ऑप्शन जो है पंकज टू बार आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन, यानी दो बार जो है यहाँ पे रिपीट ऑप्शन लिखा हुआ, रेप्ट का मतलब होता है रिपीट कराना। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ट्रिम, पंकज कुमार, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख रखा है ट्रिम। अब ट्रिम का देखते हैं क्या होता है, ट्रिम से देखते हैं इज इक्वल टू, हमने लिखा इज इक्वल टू टी आर आई एम, ट्रिम हमने किया, और बी ए एन ए पंकज के यू एम ए आर, यहाँ पे ये हमने क्या देखें पहले लिखा कैसे हमने, हाँ पंकज कुमार, और इंटर का देते हैं, ये हमारा जो है ट्रिम हो जाता है, क्या हो गया, ये हमारा ट्रिम हो जाता है, ये क्या हो गया हमारा ट्रिम हो जाता है। अब ट्रिम का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रिम का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा उसको शॉर्ट कर, हमने यहाँ पे दो तीन जो हमने यहाँ पे करेक्टर स्पेस दे दिया, हम इसको जैसे करेंगे पंकज को यानी कि ट्रिम कर देगा, यानी पास पास में कर देगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका पंकज कुमार, क्योंकि ये इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं, यूनिचार फंक्शन कन्वर्ट्स अ कोड नंबर इनटू अ यूनिकोड कैरेक्टर और लेटर, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है 65 आपका ट्रू होता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, यहाँ पे है यूनिकोड फंक्शन रिटर्न्स द न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट यूनिकोड कैरेक्टर इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, ऑप्शन आपका ट्रू है, ये भी ऑप्शन आपका ट्रू है। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अपर पंकज, अपर फंक्शन अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा अपर हमने यू पी पी ई आर अपर हमने यहाँ पे लिखा है, पी ए एन ए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वो अपर में वो चीज आ जाएगी, क्या हो जाएगी वो अपर में, ये देखिएगा अब हमने कैसे लिखा था, ये देखिएगा स्मॉल में सब कुछ लिखा था लेकिन अपर फंक्शन लगाया था, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाता है अपर में हो जाता है, तो ये जो वैल्यू है पंकज ये क्या हो जाएगी पूरी तरह से आपकी अपर में आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अगला प्रश्न है, CTRL प्लस F3 यूज फॉर ओपन द डिफाइंड नेम डायलॉग बॉक्स इन कैल्क, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका पूरी तरह से ट्रू है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल व्हाइल इंसर्टिंग न्यू कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो क्या आ जाएगा, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, इंसर्ट कॉलम आफ्टर, यानी जब हम इंसर्ट कराएंगे कोई भी नया कॉलम तो ये ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, इंसर्ट कॉलम आफ्टर का जो है सिंबल आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फार्मूला इज इक्वल टू क्वोटेशन 10.2, ठीक है 10.2 क्वोटेशन देख लेते हैं इसका क्या होता है, इज इक्वल टू क्यू यू ओ टी आई ई एन टी क्वोटेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं क्वोटेन है ना 10.2 लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन किसका कितना है 10.2 का कितना आएगा 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल, लिब्रे ऑफिस कैल का क्या हो जाता है .ods हो जाता है, जो एक्सटेंशन नेम है .ods होता है। F12 की इन MS Excel डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स, पूरी तरह से ट्रू है, देखिएगा हम F12 करेंगे, ये रहा सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक है ये आपका है सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। What will be the value of the sum 5346? Sum अगर हम इसको कर लेते हैं, देखते हैं sum is equal to sum, sum हम करते हैं यहाँ पे sum हो जाता है 5, 4, 3, 6 अगर हम ये values दे देते तो क्या आंसर आ जाता है 18 आंसर आ जाता है, क्या आंसर आ जाता है 18, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 18 आपका 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज 35610, 35610 का एवरेज देख लेते हैं, तो क्या है इज इक्वल टू ए बी ई, ए बी ई आर ए जी, एवरेज क्या है आपका 3, 5, 6, 10, यही वैल्यूज अगर होंगी तो आपका ये एवरेज आ जाएगा 6, कितना एवरेज आएगा आपका 6 आएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 6 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6, अब हम इसमें काउंट का लगा देते हैं आप सी ओ यू एन टी काउंट कॉमा टू कॉमा थ्री
कॉमा फाइव कॉमा सिक्स ये वैल्यूज अगर है तो काउंट में कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है। टू थ्री फाइव सिक्स यानी कि फोर ऑप्शन आपका इसमें से आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्स, मैक्स देख लेते हैं, मैक्स की जो वैल्यू है 10, 20, 30 और 35 यहाँ पर जो है दिया हुआ है, यानी कितना दिया है 10, 20, 30, 25। तो मैक्स हम देख लेते हैं इज इक्वल टू एम ए एक्स, मैक्स हमने कर लिया हमारा 10 हो जाता है, 20 हो गया, 30 हो गया, कॉमा 35 हो गया, इसमें से देखिए मैक्स करेंगे तो 35 यानी मैक्सिमम जो वैल्यूज है इसमें से क्या है हमारी 35 वैल्यूज आ जाती है मैक्सिमम। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल टू मिनिमा 10, 20, 30, 5। अब मिनिमा वैल्यू अब इक्वल टू एम आई एन का देख लेते हैं, मीन क्या होता है, एम आई एन का जो मीन होता है उसको अब हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होता है, कॉमा 10 हो गया, कॉमा जो है 20 हो गया, कॉमा 30 हो गया, कॉमा 5 हो गया, यानी कि इसमें आंसर क्या आ गया आपका 5 आ गया। इसका मतलब मिनिमा से क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यूज होती है उसको हम फाइंड आउट कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट 567, प्रोडक्ट 567 अब हम इसका देख लेते हैं, इक्वल टू पी आर ओ डी यू सी टी प्रोडक्ट 5, 6, 7 हम करेंगे, आंसर आपका क्या जाता है 210, कितना जाता है 210, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 210 है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग देखते रहिएगा। इन विच मेनू पाइवोट टेबल ऑप्शन फाउंड इन लिब्रे ऑफिस, किसमें मिलता है, पाइवोट ऑप्शन का ऑप्शन लिब्रे ऑफिस में डेटा ऑप्शन मिलता है। इन विच मीनू फाउंड शेयर स्प्रेडशीट ऑप्शन इन कैल्क, शेयर और शेयर ऑप्शन किसमें मिलता है, टूल्स मेनू में, शेयर स्प्रेडशीट ऑप्शन किसमें मिलेगा, टूल्स मेनू में। अगला प्रश्न है कंसोलिडेट फीचर फाउंड इन विच मीनू इन कैल्क, तो किसमें मिलेगा, जो कंसोलिडेट फीचर का ऑप्शन है किसमें आपको मिलेगा, आपका डेटा ऑप्शन में, कंसोलिडेट फीचर ऑप्शन किसमें मिलेगा, डेटा ऑप्शन में, डेटा मीनू में। फॉन्ट वर्क फीचर फाउंड इन विच मीनू इन कैल्क किसमें मिलेगा आपको, इंसर्ट में, तो फॉन्ट वर्क फीचर किसमें मिलेगा आपको, इंसर्ट में। फ्रीज रोज एंड कॉलम फीचर फाउंड इन विच मीनू इन कैल्क, तो किसमें मिलेगा, फ्रीज रोज एंड कॉलम्स का व्यू ऑप्शन में, किसमें मिलेगा आपको, व्यू ऑप्शन में मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑप्शन फाउंड इन विच मीनू इन कैल्क, प्रॉपर्टी ऑप्शन किसमें मिलेगा आपको, फाइल मीनू में, प्रॉपर्टी ऑप्शन किसमें मिलेगा, फाइल मीनू में मिलेगा। नेक्स्ट है अनडू कमांड इज यूज फॉर रिवर्स लास्ट एक्शन, लास्ट कमांड आर द लास्ट एंट्री यू टाइप, बिल्कुल सही, अनडू कमांड का जो है कार्य क्या होता है, वो रिवर्स लास्ट एक्शन करता है। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एसक्यूआरटी 25, देखते हैं यहाँ पे एस इज इक्वल टू एस क्यू आर टी कॉमा 25 का जो है देखते हैं क्या आएगा, 5 आएगा, यानी जो 25 है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे 5 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सी टी आर एल प्लस होम इज यूज फॉर मूव टू कर्सर टू द फर्स्ट सेल इन द शीट, बिल्कुल सही है, जो सी टी आर प्लस होम बटन के द्वारा हम मूव करा सकते हैं कर्सर को फर्स्ट सेल पे जो है इस पे शीट के। अगला प्रश्न है CTRL plus Int key is used for move the cursor to the last cell on the sheet that contains data, ये भी आप क्या है आपका true है, यानी CTRL plus Int key से हम क्या कर रहे हैं, last cell पे जा सकते हैं, ठीक है, last cell पे जा सकते हैं sheet की। अगला प्रश्न है देखिएगा यहाँ पे होम की इज यूज फॉर मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, बिल्कुल सही है, यानी होम की का यूज क्या करेंगे हम, मूव कराएंगे कर्सर को फर्स्ट सेल के करंट रो पे, बिल्कुल सही है। इंड की इज यूज फॉर मूव द कर्सर टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो, बिल्कुल सही, इंड की से जो है हम लास्ट सेल पे जो है जा सकते हैं करंट रो की। अगला शिफ्ट प्लस होम की इज यूज फॉर सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो, पूरी दिशा भी ऑप्शन क्या है आपका ट्रू है, शिफ्ट प्लस होम की से हम क्या हो जाए सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम करंट सेल टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस इंड की इज यूज फॉर सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल टू द लास्ट सेल ऑफ द करंट रो, उसमें क्या हो रहा था यहाँ पे शिफ्ट प्लस होम से क्या था करंट सेल टू द फर्स्ट सेल हो रहा था, करंट प्लस शिफ्ट प्लस होम से क्या था करंट सेल टू द फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो को सेलेक्ट करते थे, और इसमें क्या है शिफ्ट प्लस इंड की से क्या हो रहा है करंट सेल को जो है करंट सेल की जो है लास्ट सेल ऑफ द करंट रो को हम सेलेक्ट करें शिफ्ट प्लस इंड से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा शिफ्ट प्लस पेज अप की इज यूज फॉर सेलेक्ट सेल फ्रॉम द करंट सेल अप टू वन पेज इन द करंट कॉलम, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं सी टी आर प्लस एफ वन इज यूज फॉर डिस्प्ले द कमेंट दैट इज अटैच टू द
करेंट सेल, बिल्कुल सही। जो CTR प्लस F1 से क्या होता है, डिस्प्ले कमेंट कमेंट करेगा जो भी अटैच किया जाएगा करेंट सेल के साथ। Shift plus CTRL plus F2 is used for move the cursor to the input line where you can enter a formula for the current cell. बिल्कुल सही, वो भी ऑप्शन क्या है, CTRL plus Shift plus F2 का यूज क्या करते हैं, मूव कराते हैं कर्सर को इनपुट लाइन वेयर यू कैन एंटर फार्मूला फॉर करंट सेल के लिए। Which key is used for decrease the width of the current column? कि current column की मुझे width को decrease करना, तो उसके लिए हम क्या use करेंगे, left plus arrow की, left plus arrow की क्या करेंगे हम, alt plus left arrow की, alt plus left arrow की से हम क्या करें, column की width को हम क्या करा सकते हैं, decrease करा सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, which key is used for the increase? अब यहाँ पे increase of width of the current column का क्या हो जाएगा, alt plus right arrow, क्या हो जाएगा, alt plus right arrow से हम increase करा सकते हैं column width को, और alt plus left arrow से हम decrease करा सकते हैं column width को। अगला प्रश्न यहाँ पर, लिब्रे ऑफिस कैल्क इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल सही, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे, इज ब्लैंक फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ रेफरेंस टू सेल इज ब्लैंक, बिल्कुल सही है, देखिएगा इस फंक्शन में हमारा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अब हम यहाँ पे इज ब्लैंक लगाएंगे, इज ब्लैंक का ऑप्शन हमने यहाँ पे दे दिया, देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दे दिया है ये ब्लैंक, हमने वैल्यू हमने यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पे K2 का देते हैं, K2 का दिया हमने यहाँ पे, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी ये रहा हमारा K2, ये K2 है यहाँ पे, ये K2 हमारा है, ये पूरी देश क्या है, ब्लैंक है, इसलिए क्या है, इज ब्लैंक K2 हमने यहाँ पे वैल्यू लगाई, ये हमारी ट्रू आ जाती है, क्योंकि ये क्या है, पूरी देश से खाली है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू है। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 999-899, तो इसका आंसर भी जो है देखिएगा बड़ा ही सिंपल हो सकता है, लगा लीजिएगा इक्वल टू कॉमा 999-899-8999, अगर हम इसको करेंगे तो वैल्यूज हमारी क्या जाएगी, 100 आएगी, क्या वैल्यूज आएगी हमारी, 100 आएगी, तो इसको भी हम यहाँ से, ये माइनस का जो था सिंबल था इसको हमने यहाँ से सॉल्व करा दिया है। तो अब आप लोग जो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें मोस्टली हमने जो है फार्मूलों को, जो मोस्टली जो एक्सेल जो फार्मूले हैं हमने उनको इसमें अटैच करने का जो है समझाने का प्रयत्न किया, इसमें से इस वीडियो से आप लोग अधिक से अधिक जो है फार्मूले देख सकते हैं, फार्मूलों को समझ सकते हैं इस चैप्टर से, और अपना जो है एग्जाम को एक्सेस करिएगा अच्छे से, अपना एग्जाम निकालिए आप सभी लोग, बस यही हमारी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। एक निवेदन है आपसे, जो भी बच्चे अभी तक इसको शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, इसको लाइक भी करें, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो बार बार हमें जो है पूछिएगा हमसे, व्हाट्सएप नंबर इसमें भी दिया होता है मेरा 8574103898 है, तो आप लोग इसको जो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए जो है हम आपसे जो है फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे।